दोस्तों रियल टाइम बिडिंग एंजॉय करें कितनी मेहनत से मैं आपके लिए एक्चुअल बिडिंग कर रहा हूं आ, बहुत जरूरी है कि आप जो टेम्पलेट्स एल एम एस में पढ़ी हुई हैं, उनको देखें उनको स्टडी करें ट्राई टू फाइंड अ रैशनल रीजन कि मैंने ऐसी बात लिखी क्यों है क्या वजूहत हैं मेरे एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के पीछे उनमें मैंने क्या थीम सोची है कि रिस्पॉन्स इतना एडिकुट होना चाहिए कब ऑफर मुझे फेंकनी है कब मुझे सवाल पूछना है सो वन सो फोर्थ तो ये बड़े ज़रूरी है कि आप जो हैं, इन बिड्स को ले एनालाइज करेंगे अब इस वीडियो में दोस्तों वो तमाम लोग जो शायद फ्री लेंसिंग का सत्तर फ़ीसद हैं, क्रिएटिव राइटर्स क्रिएटिव एंड बिजनेस राइटर्स यह उनके लिए बिड है मेरी दरख्वास्त ये है कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसको देखिएगा फिलॉसफी समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी अप्रोच को एनालाइज़ कीजिएगा छापा ना मारना क्योंकि अगर सारे एक ही छापा मारोगे और हम बात कर रहे हैं अलहदुल्ला वन मिलियन फ्रीलांसर्स की सत्तर फीसद अगर क्रिएटिव राइटर निकले तो पूरी दुनिया में एक ही तरह की बेड नज़र आएंगी ना आपको सक्सेस मिलेगी और ना आपको फ़ायदा होगा एनालाइज करके अपने वर्ड्स के साथ आपने बेड करनी है स्क्रीन पर चलते हैं मैं आपके सामने बेड करूँगा दोस्तों होम पेज गुरु डॉट कॉम सर्च पर मैंने क्लिक किया सर्च पे क्लिक करने के बाद सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आ गए ऑन द राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे स्किल सेट नज़र आ गया अब चूंकि क्रिएटिव राइटिंग पे क्लिक करना है तो मैंने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे क्लिक किया यहाँ पे जनाब राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और आई एम जस्ट यू नो ट्राइंग टू गेट अ सेंस कि कौन, कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट है जो मेरे लिए आ, मेरे एक्सपर्टी से मैच करता है जो मुझे नज़र आया उसको मैंने न्यू टैब पर खोला अब न्यू टैब पे खोलने के बाद वो कहता है जी यूनिक कंटेंट चाहिए ग्रेसन भाई को और तो वो कहता है कि जनाब मुझे एक न्यू एंड यूनिक आर्टिकल्स अपने ब्लॉग के लिए चाहिए अरे वाह और वो कहते हैं जी टॉपिक आइडियाज़ एंड रेलिवेंट लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड वट यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू इज़ टू डू सम रिसर्च और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनाब मेरा एक ब्लॉग है सिंपल साफ़ इंग्लिश में आपने रिसर्च करनी है और मेरे लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि मेरा जो नीश है वो स्पोर्ट्स रियल इस्टेट खाना पीना गाड़ियाँ आर्ट इंटरटेनमेंट सोन सो और टेक्नोलॉजी की भी बात करें भाई जान ये तो मेरे रिलेटेड प्रोजेक्ट है मैंने सबसे पहले प्लेस होल्डर बिड की मैं इस इसमें प्राइस की बात कर ही नहीं रहा क्यों नहीं कर रहा वो मैं आपको बिड में समझाऊंगा अब मैं बिड कंपोज करने लगा हूँ सबसे पहले तो मैंने ग्रेसन को डियर ग्रेसन करके लिख दिया कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बस इतना ही बहुत है ग्रीटिंग्स के बाद मैं ग्रेसन साहब को बता रहा भाई बहुत शुक्रिया आपने मेरा रिस्पांस देखा अपने प्रोजेक्ट पे टाइम निकाला आई एम ग्रेटफुल और फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि मैं एक क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग जानबूझ के लिखा है क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग किसी ने गलती नोटिस की कि नहीं ब्लॉग एंड बीन राइटिंग सेंस थ्री ईयर्स ऑल वीक टेक अ लुक एट माई ब्लॉग और फिर मैं लिंक दे रहा हूँ क्या ब्लॉग का लिंक है शाबाश बिंग गुरु एच टी टी पी एस डब्ल्यू 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 डॉट बींग गुरु डॉट कॉम और फिर मुझे एक्सप्लैनेशन भी देने पड़ेगी भाई ये बींग गुरु है क्या तो मैं इनको ये बता रहा हूँ कि इट्स आ टेक मोटिवेशनल ब्लॉग यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करता है मोटिवेशन से रिलेटेड मेरा ब्लॉग बात करता है और इसके अंदर जो चीज़ें कवर हो रही हैं वो आ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ हैं उसके बाद हम कवर करते हैं जनाब सेलेब्रिटी की स्पीचेस वीडियोस हैं और जो जो हम बींग गुरु पे कवर करते हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने जाहिर है पैसे की भी बहुत बात हो रही है हाउ टू मेक मनी बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा हमने जिक्र किया बिटकॉइन का उतार चढ़ाव हमने बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व किया बींग गुरु लेटेस्ट टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन चाहे वो एप्पल हो चाहे वो एंड्रॉयड हो इसके बारे में हमने बहुत कवर किया तो ये जब सब कुछ मैंने लिख लिया अब मैं ग्रेसन साहब को बता रहा हूँ कि यार आप मेरा ब्लॉग देखें तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरह का कंटेंट लिखता हूँ प्लीज सी माई ब्लॉग टू नो मोर अगली लाइन में अगले पैराग्राफ में अब ग्रेसन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पर यह लिख रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर योर ब्लॉग लेकिन मेरा एक सवाल है आई हैव अ क्वेश्चन यहाँ पे डन ग्रेसन साहब सोचेंगे कि यार इसने सवाल क्या पूछा इसको क्या आ, क्या जरूरत पेश आई अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है गौर कीजिएगा तमाम क्रिएटिव कंटेंट बिजनेस राइटर्स सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब सवाल ये है कि डू यू वांट टू पे पर आर्टिकल और डू यू वांट टू पे फॉर अ क्वांटिटी मिसाल के तौर पे तो मैंने लिखा है एक्स प्राइस फॉर फाइव आर्टिकल्स कि यार मिसाल के तौर पर आप पांच आर्टिकल्स का मुझे कुछ देना चाहते हैं अब सवाल तो मैंने पूछा ना उससे इसका मतलब कि अगर सवाल पूछा है तो वो पी एम बी खोल के ग्रेसन साहब मुझे जवाब भी लिखेंगे अल्लाह करे जवाब आ जाए मैं भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी तो बिड कर रहा हूँ तो जनाब उसके बाद मैं ये नीचे लिख रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ओपन पी एम बी जिसको मैंने ओ एम बी लिख दिया लेकिन मैंने क्यों नहीं वापस जाके इसको चेंज किया उसकी वजह यह कि जब आप फ्लो में हो तो चेंज नहीं करना चाहिए आपने बिड सबमिट करने से पहले एनालाइज तो करना ही है ना रीचेक तो करना ही है अपना बिड जो है तो बेहतर है एक फ्लो में जा रहे हैं लिखें और इसको मैंने बोल्ड ख़त्म कर दिया आखिर में मैंने थैंक्स किया अब आप देखे मैंने इन्फॉर्मिस की बात नहीं की मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन में तमाम कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉमेसन चेंज कर दी जनाब हिशाम सरवर बी गुरु डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बेंगुरू डॉट कॉम हेशाम एट बेंगुरु डॉट कॉम क्योंकि बात क्रिएटिव राइटिंग की हो रही और मैं अपने आप को एज ए क्रिएटिव राइटर प्रो, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं जाहिर है अपना ब्लॉग का लिंक दूंगा अपना ब्लॉग का ई मेल एड्रेस दूंगा अब ज़ाहिर है बिट को ज़रा सेंसर करना है ज़रा वेरीफाई करना है फाइन ट्यून करना है तो जनाब मैंने बीनगुरू डॉट कॉम जो मेरा ब्लॉग का लिंक है उसको बोल्ड कर दिया इसको मैंने सेपरेट कर दिया फ्रॉम द टॉप पैरा ताकि अलग बात हो उसके बाद जनाब मैंने ये कहा कि आई वुड लाइक टू ऑफ़र माई राइटिंग सर्विसज़ फ़ॉर योर ब्लॉग यार मैं सर्विसज़ तो ऑफ़र कर ही रहा हूँ क्या सर्विस ऑफर कर रहा हूँ यह बता रहा हूँ मैं क्लैरिटी के साथ कि मैं अपनी राइटिंग सर्विसज ऑफर करूँ ओ एम पी लिखा था उसको मैंने पी एम बी कर दिया और जो ऊपर मैंने एक गलती की थी राइटिंग के उसको मैंने राइटर कर दिया स्पेल चेक मार दिया और अब मैं मुतमईन हूँ कि ये बेड ठीक है अब मैं इस बेड को सबमिट कर दूँगा सबमिट करने का तरीका अप्लाई का बटन है अप्लाई के बटन पर मैंने क्लिक किया और तीन एक सेकेंड लगेंगे उसके बाद ग्रेसन साहब को मेरा रिस्पॉन्स चला जाएगा सो ये थी वो बेड जो क्रिएटिव राइटर्स के लिए थी जनाब अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं तो इस बिट को देख के आप आइडिया ले सकते हैं मैं बारह रिपीट कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट नहीं करना छापा नहीं मारना मेरा एक जिन में आइडिया आया मैंने इस तरह लिखा और आपके सामने रियल टाइम लिखा रिकॉर्ड किया मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि ये वो सेंस है जो प्रोजेक्ट देख के आती है और ये उसी वक्त पॉलिश होती है अगर आप बहुत ज़्यादा बिट करें मैं एक आ, प्रोजेक्ट को देख के बेड का अंदाज़ा मेरे जहन में आ जाता है ऑटोमेटिकली मेरी एग्जांपल एक ऐसे आर्किटेक्ट की होगी है जो ज़मीन को देख के अंदाज़ा लगाता है कि इस पर किस तरह की बिल्डिंग होती है एक ऐसे फैशन डिज़ाइनर की होगी है जो कपड़ा को देख के अंदाज़ा लगाता है कि इस पर क्या डिज़ाइन अच्छा लगेगा सो so, मैं भी बेड देख के अब ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि इस पर क्या बिल्ड होनी है वक्त के साथ साथ आप भी सीख जाएंगे लेकिन ज़रूरी ये है कि कॉपी कैट नहीं बनना अपना ओरिजिनल बेड होना चाहिए येस यू कैन टेक द आइडियाज आउट ऑफ माई बेड एंड माई टेम्पलेट्स बट उसको मॉडिफाई करें एनालाइज करने के बाद एनालाइज करेंगे फिर मॉडिफाई करेंगे इन शाह आपको फ़ायदा होगा ज़रूरी है एज अ क्रिएटिव राइटर क्या बहुत ज़्यादा सवाल पूछा करें अपनी बेड में बिकॉज सवाल बनते ही बनते हैं और सवाल एक अमूमन सवाल तो बनेगा ही बनेगा प्राइस से रिलेटेड भाई आप पर प्रोजेक्ट पे करना चाहते हैं पाँच सौ करेक्टर का पे करना चाहते हैं ढाई सौ करेक्टर का पे करना चाहते हैं पाँच कॉन्टेंट का एक दफा पे करना चाहते हैं सवाल बनता ही बनता है एज अ क्रिएटिव राइटर आई होप आपको यहां पे क्लू मिल गया होगा एज अ क्रिएटिव राइटर बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन गुड लक